हेलो मित्रकाश, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना कि आप कैसे टीडीएम का हर एक गेम विन कर सकते हो। ये एक टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो है। ये वीडियो देखने के बाद आपको और किसी वीडियो पर जाने की जरूरत नहीं, जिससे आप लोग लीडर बोर्ड पे जो इन द स्काई है उसके जो रिवॉर्ड्स है वो इजीली हासिल कर सकते हो। तो चलो मैं बिना किसी देरी के टीडीएम मोड पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा मैच स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि स्टार्टिंग में जा चुका है। तो लेट्स गो, यहाँ पे थोड़ी सी देर रुकना होगा। और सबसे पहले ही जो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बताने वाला हूँ कि गन सबसे इम्पोर्टेंट टीडीएम में गन ही है, उसके अलावा आप गेम को बिल्कुल भी नहीं जीत सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गन कौन सी लेनी है। यहाँ पे हमारे पास चार स्लॉट आते हैं गन के, आप देख सकते हो। और इन चारों गन के स्लॉट में से जो टॉप दो बीच के जो दो गन है वही सबसे बेहतर गन है। बाकी सब गन इतने कुछ खास नहीं है, मतलब है वो भी चला, अगर आपको चलाना आती है, आप अच्छे प्लेयर हो इन दस के, तो हाँ वो चला सकते हो, प्रेफर कर सकते हो। बाकी मैं नहीं बोलूँगा कि उन गन को लो आप, क्योंकि उनसे भाई बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उनमें डैमेज टेम्पेस्ट लोगे तो उसकी डैमेज कम है और उसकी गोलियाँ भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। देवासूत्र और ये छोटी गन है, इसे ही प्रेफर करता हूँ। ये दोनों गन जो है यही सबसे अच्छी है, क्योंकि इनसे आप मैक्सिमम किल निकाल सकते हो। देवासूत्र एक ऐसी गन है जिससे आप भाई एक स्प्रे में दो दो बंदे तक निपटा सकते हो, दो से तीन भाई, इसलिए मुझे बहुत सही गन लगती है। सेकंड जो टिप है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो है ग्राइंड, या तुम आपके हिसाब से बोलो तो प्रैक्टिस करना, क्योंकि भाई अगर बिना प्रैक्टिस करा तो कुछ चीज़ हो ही नहीं सकती। कि मतलब आप एकदम से आओ एक गन यूज़ करोगे तो भी कोई मतलब नहीं, अगर आपको खेलना ही नहीं आता तो आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी, ये भी बहुत सही चीज़ है। तो इसी तरह ग्राइंड करते रहो इन दस में, और इस हाईलाइट का मजा लो।